गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अवर चैप्टर नंबर 13, अ शेल्टर सो हाई, पार्ट टू। इन प्रीवियस लेक्चर वी सीन अवर पार्ट वन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्ट टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोला गया है, ऊंचाई पर रहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, अब ये जो वक्त था वो ऊपर चढ़ने का था, जो लोनार एंड जो गौरव जानी है, ठीक है, तो वो दोनों जो ट्रैवलिंग के लिए निकले थे, तो अभी ऊंचाई पर चढ़ने का उनका उनका वक्त था। तो लोनर हैड अ टच टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स एट मेनी प्लेसेस देयर वेयर नो रोड्स एट ऑल। ऑब्वियसली माउंटेन पे ऊपर अगर चढ़ना है तो जिगजैग रोड होता है, रॉकी माउंटेन्स रोड्स होते हैं, प्लेन रोड हमें दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पे लोनर को चढ़ना था, ठीक है, यानी कि मोटर बाइक को। तो आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ छांगधांग। This place is at a height of almost 5000 meters. 5000 meter ऊंचाई पे ये चांगथांग है जहाँ पे इन दोनों को चढ़ना था। ये रॉकी प्लेन्स है, यानी बहुत सारे पत्थर वहाँ पे होते हैं। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, वो इतना ऊपर है कि वहाँ पे नॉर्मल हम लोग ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, उसे जो है वो गौरव जानी को एकदम से हेडेक होने लगा एंड काफ़ी वीक ऐसे महसूस करने लगे वो। देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीदिंग इन सच एयर फॉर मेनी डेज। वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट। उन्हें काफ़ी डेज लगे वो चढ़ने के लिए, ठीक है, काफ़ी डेज वो वही एरिया में चल रहे थे। वहाँ पे कोई एक सिंगल ह्यूमन भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पे वो ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे थे स्लोली, वो ब्रीथिंग की भी उसने वो एयर में ब्रीथिंग का भी हैबिट डाल दिया। नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। मेनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, लोनार एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड, मेनी शीप एंड गोट्स वेयर ग्रेजिंग देयर। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड वॉट दे वेयर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। काफ़ी दिन और रात उन्हें लग गए वो चढ़ने के लिए। देन लूनर और गौरव जाने आगे जा रहे थे तो सडनली उन्हें क्या दिखा, तो एक फ्लैट ग्रेसी लैंड दिखा, जमीन जहाँ पे बहुत घास वगैरह था, फ्लैट ग्रेसी लैंड, और वहाँ शीप एंड गोट्स उन्हें ग्रेजिंग करते हुए दिखी, यानी चरते हुए दिखी, चारा चरते हुए, है ना। फार इन द डिस्टेंस, और उससे थोड़ा सा दूर उन्हें क्या देखा, तो कुछ टेंट्स उन्हें देखे और वहाँ वो वंडर हो गए कि इतने ऊंचाई पे यहाँ पे कौन रहता होगा, ये किसके टेंट्स है जो कि मेन प्लेस से कितना दूर है ये और कितना ऊंचाई पे है, तो यहाँ कौन रहते होंगे। तो जस्ट फाइंड आउट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव, यानी आप जहाँ पे रहते हो वो कितने हाइट पे है वो जगह। तो आंसर यहाँ पे मोस्ट ऑफ थिंक एंड आंसर ये है, तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, द प्लेस वेयर आई लिव इज सिचुएटेड एट अबाउट 200 मीटर्स अबाउ द सी लेवल, यानी सी लेवल से वो कितना ऊंचाई पे मैं रहती हूँ, तो 200 मीटर्स ऊंचाई पे। ये मैंने जस्ट टेंटेटिव आंसर दिया हुआ है, जस्ट थिंक करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, Why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? Gaurav Jani ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो जगह है वो बहुत ऊंचाई पे है और
वहाँ पे ब्रीथ करना, सांस ले नॉर्मल सांस लेना बहुत कठिन है. तो आंसर विल बी बिकॉज एट हाइट एल्टीट्यूड्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ड्यू टू विच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ प्रॉपरली. यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते हो वहाँ पे हम लोग ब्रीथ नहीं करते हैं, कर पाते हैं इजिली ब्रीथ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम कम होते जाता है, इसलिए हम लोग इजिली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं. ओके, नंबर थ्री इज हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, यानी कभी आप हिली प्लेस पे ऐसे गए हो, और गए हो तो कहाँ. तो आंसर विल बी येस आई हैव बीन टू अ हिली प्लेस, इट वॉज इन शिमला. ओके, नंबर फोर एट वॉट हाइट वॉज इट, डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, यानी ये जो शिमला है वो कितने हाइट पे होगा, कितने हाइट पे है, और वहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ गई. तो आंसर विल बी इट वॉज एट अ हाइट ऑफ अबाउट 2200 मीटर्स, येस आई फाउंड अ लिटिल डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देयर. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू. सो द आंसर इज शिमला इज द हाइएस्ट प्लेस आई हैव बीन टू. यानी आप कितने हाइट वाले प्लेस में अभी तक के गए. तो सबसे हाइट वाले प्लेस में जहाँ पे मैं गई वो है शिमला. शिमला इज द हाइएस्ट प्लेस आई हैव बीन टू. अंडरस्टूड. नाउ द चांगपा, देयर आई मेट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा. आई ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स. द चांगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल. द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप. वो जो जगह गौरव जानी और लोनार ने देखी थी वो जगह कौन सी थी जहाँ पे शीप एंड गोट्स थे, तो वो जगह थी चांगपा. ओके, तो चांगपा पे वो चांगपा जो प्लेस है वो अबाउट 5,000, वहाँ पे सिर्फ 5,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, और उनका जो वर्क है उनका काम जो है वो गोट्स एंड शिप का, शिप संभालने का वो बिजनेस है. इट इज़ फ्रॉम दिस दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क मीट स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर. इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट. फ्रॉम दिस स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल. द चांगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, यानी कि फर. दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज वेयर दिस गोट्स कैन लिव. दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड. होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड. ये बहुत ईजी इसमें बताया गया है. ठीक है, आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल, बट द चांगपास कैरी एवरी थिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स. यानी यहाँ पे गौरव जानी ने बोला है कि मैं लोनार पे जो सामान कैरी करता हूँ वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली. ये जो चांगपास लोग हैं वो हॉर्सेस पे या फिर याक पे इतना ज़्यादा एक ही बार में सामान लादते हैं जो कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे. इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर्स टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड. उन्हें वो इतना सारा सामान पैक करने में ओनली 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटा उनको सिर्फ पैकिंग के लिए रखता था, और एंड मूव अहेड विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस. द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी. ये जो टेंट है उन्हें जब जहाँ चाहे वो टेंट उठा के फिर वो लेके जाते हैं, और लगेजेस भी जो है वो अनपैक्ड होते हैं ऐसे ही वो कैरी करके लेके जाते हैं, एंड देयर होम्स आर रेडी. और जहाँ भी
मन चाहे जहाँ भी लगे, जहाँ भी हिली एरिया है, जहाँ पे उनके गोट्स एंड शिप्स सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे वो अपना टेंट लगा देते हैं और उनका घर वैसे ही रेडी हो जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू अवर होम, सेड नाग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट। दे कॉल देयर टेंट रेबो। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टूगेदर। दिज आर स्ट्रांग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रांग विंड्स। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वेयर टाइटली टाइड विथ 9 स्टिक्स। ये जो याक के जो फर है उससे ये जो स्ट्रिप्स बनती है वो बहुत टाइटली टाई की हुई रहती है विथ 9 स्टिक्स। 9 स्टिक्स से वो टाइट होती है। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप। ग्राउंड जो है वो करीब 2 फीट डीप खोदा जाता है। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और फिर ऐसे तरीके से वहाँ पे टेंट बांधा जाता है। और याक के जो फर है जिसके कारण वो टेंट भी बनाते हैं, जिससे जो विंड है स्ट्रॉन्ग विंड, आइसी स्ट्रॉन्ग विंड, वो अंदर आना आती नहीं है, ठीक है, जिससे उनका प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट करती है वो याक का फर। नाउ यहाँ पे ये जो शॉल है पश्मीना, इसका पिक्चर यहाँ पे दिखाया है। नाउ लेट्स सी द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। ये जो पश्मीना शॉल है वो वर्ल्ड फेमस है। इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। ऐसा बोला जाता है कि ये जो पश्मीना शॉल है वो करीब 6 स्वेटर्स जितनी वार्म है। यानी अगर आप 6 स्वेटर्स आप एक के ऊपर एक पहनोगे, उसमें जितना गर्म होता है उतना सिर्फ उतना काम जो 6 स्वेटर का काम है वो सिर्फ एक ही शॉल कर देती है, ठीक है। इट इज़ वेरी थीन, इट इज़ वेरी थीन येट वेरी वार्म। वो काफ़ी थीन पतली सी होती है लेकिन बहुत वार्म होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज कलेक्टेड। वो जो गोट है जिनसे ये जो पश्मीना का वुल जो लेते हैं वो गोट से ही लेते हैं, आर फाउंड ऑन वेरी हाई एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 5,000 मीटर्स। ये जो गोट्स है वो काफ़ी ऊंचाई पे 5,000 मीटर्स, ग्राउंड के 5,000 मीटर्स ऊपर वो रहते हैं हिली एरिया में, वहाँ पे ये गोट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसका फर निकाल के पश्मीना शॉल हो बनती है। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है विंटर में। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो गोट के ऊपर ये जो फर होता है, वार्म हेयर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे वो गोट की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। यानी अपना जो एक हेयर है, एक जो बाल है अपना, उससे 6 गुना ज़्यादा मोटा सा उनका एक फर का मैन एक फर होता है, एक बाल होता है। ओके, द फाइन हेयर कैन नॉट बी वुवन ऑन मशीन्स एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल्स बाय हैंड। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। ये कितना कठिन है ये आप यहाँ पे देख ही रहे हो। उसको पश्मीना शॉल बनाने के लिए करीब 250 आवर्स लग जाते हैं वीविंग के लिए वो फर को, ठीक है। तो इमेजिन करो कि इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। अगर ये एम्ब्रॉयडरी के साथ अगर बनाई जाए तो उसको कितना आवर्स लग सकता है। ओके, एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट। आई ऑल्सो सॉ दैट द
रेबू वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई. इट वॉज हेल्ड अप बाई टू वुडन पोल्स इन द मिडल. जैसे वो गौरव जानी ने अंदर एंटर किया टेंट के अंदर, तो उसको रियलाइज हुआ कि मेरा जो टेंट है उतना ही यहाँ पे जगह नहीं है, जबकि ये काफ़ी बड़ा है. तो वो सीधा सीधा वहाँ पे खड़ा हो गया. इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट एंड आई ऑल्सो सॉ दैट द रेबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई. ये जो रेबो है, ये टेंट जो है, दैट इज कॉल्ड रेबो, वो मेरे मुंबई के फ्लैट की जो रूम है उससे काफ़ी बड़ा बड़ा है. इट वॉज हेल्ड अप बाय टू वुडन पोल्स. ये जो टेंट है वो दो वुडन पोल्स अंदर है इन द मिडल, जिसके ऊपर ये टेंट खड़ा है. देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा. वहाँ पे एक स्पेस भी होता है जो कि चूल्हा वहाँ पे जलाते हैं तो वो स्मोक बाहर निकले. नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1,000 ईयर्स ओल्ड. द टेंट प्रोटेक्टेड द चांगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स. द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्रीज बिलो जीरो. द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर. इमेजिन इफ यू वेयर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर. नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शिप एंड गोट्स. यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो रेबो है, रेबो के अराउंड शिप्स या गोट्स ऐसे रहते हैं. ठीक है. चांगपास कॉल दिस लेखा. ये चांगपास जो है उसे लेखा बोलते हैं. द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स. ये जो लेखा की जो वॉल्स है, यानी टेंट के बाजू में ये जो लेखा है, वो लेखा की जो वॉल्स है वो आर मेड विथ स्टोन्स. स्टोन से बनी हुई होती है. इच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. दे काउंट देम अगेन एवरी डे व्हेन दे ब्रिंग देम बैक इन द इवनिंग. नाउ यहाँ पे कुछ बताया गया है या सम क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि फॉर द चांगपास देयर एनिमल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ये चांगपास के लिए जो एनिमल्स है, ये गोट्स एंड शिप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ है. इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ? क्या ऐसे ही इंपॉर्टेंट कोई ऐसा एनिमल है जो आपके लाइफ में है? फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट और एज हेल्पर्स इन फार्मिंग. तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, वी हैव अ पेट डॉग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो हमारे घर में एक पेट डॉग है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन आएगा. यहाँ पे एक ही बनाया गया है वो क्वेश्चन को, बट दिस इज सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में अलग सा दिया है. लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो यहाँ पे आंसर विल बी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ आर एज फॉलोज. नंबर 1, एनिमल्स लाइक डॉग्स प्रोटेक्ट अवर हाउस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रेंजर्स. नंबर 2 में आएगा वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलोज. नंबर 3, वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शिप. नंबर 4, पीपल ऑल्सो यूज सम एनिमल्स लाइक हॉर्स एज टू कैरी लोड्स. एंड नंबर 5 में आएगा फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स विद हेल्प ऑफ ऑक्सन. तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे लाइफ में. ओके. तो यहाँ पे 5 वेज मैंने बताया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू गोट एंड शिप नीड देयर ओन फर एंड वुल? डिस्कस. ये जो गोट एंड शिप है, उन्हें क्या खुद के फर की या फिर वुल की ज़रूरत होती है? तो यहाँ हमें डिस्कस करना है. आंसर विल बी गोट एंड शिप विच लिव इन कोल्ड रीजन्स. जो कि जो गोट एंड शिप कोल्ड रीजन में रहते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है उनके खुद के फर की एंड वुल की टू कीप देयर बॉडी
वाम। बट वहाँ के लोग जो चांगपाज है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो उनका बिजनेस ही है उनका गोट्स एंड शिप का फर निकाल के, हेयर्स निकाल के वो स्वेटर्स या फिर शॉल्स वगैरह बनाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें ठंडी तो लगेगी, है ना, जबकि उनको ज़रूरत होती है जो हिली एरियाज में, कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, उन शिप एंड गोट्स को। राइट, नाउ फाइंड आउट, ये फाइंड आउट में पूछा है, यू रीड दैट इन चांगथांग द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, लुक एट न्यूज़पेपर्स ऑन द टीवी टू फाइंड सिटीज इन इंडिया और अब्रॉड वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इन विच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस। ये ऐसा तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे इसमें होता नहीं है इंडिया में, बट क्या आपने कभी न्यूज़पेपर या टीवी पे देखा हुआ है कि एब्रॉड में हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर लो ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इन विच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस। आपको क्या लगता है कौन से मंथ में ये ऐसा हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ सकता है? तो आंसर विल बी सम सिटीज इन इंडिया वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर शिमला, लेह, लद्दाख एक्सेट्रा। यहाँ पे 0 डिग्री समटाइम्स आ सकता है, तो वो कौन से मंथ्स में आ सकता है? तो सिटीज, अभी हम लोग एब्रॉड का भी देखते हैं, सिटीज इन एब्रॉड वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्रीज आर विनीपेग यानी कि कैनेडा, देन ओथवा वो भी कैनेडा में ही है, एंड मिनेसोटा दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंथ्स पूछा गया है कि कौन से मंथ्स में हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये विंटर के जो मंथ्स होते हैं वहाँ तब ये मोस्ट ऑफ 0 डिग्री आ सकता है। ओके, सो हियर इज अवर पार्ट टू ऑफ चैप्टर 13 इज कंप्लीटेड। योर होमवर्क इज ये जो पार्ट टू है प्लस पार्ट वन ऑल्सो, पार्ट वन एंड पार्ट टू आपको रीड करना है ट्वाइस, ट्वाइस अ टाइम आपको 2 बार इसको रीड करना है, पार्ट वन एंड पार्ट टू को। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर पार्ट 3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।